दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी इस रक्षाबंधन पे अपने भाई के लिए सुंदर सी राखी कैसे बनाए। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए, राखी बनाने के लिए एक मैंने ये चेन ली है जो कि आपके पास घर में भी अवेलेबल होती है। और देखिए, ये मैंने थ्रेड लिया है, सिल्क वाला है, और एक स्केल लिया है जिसकी सहायता चाहिए हमको। और एक मैंने ये बटन लिया है, रेडीमेड बटन है। और देखिए, ये कुछ मैंने वाइट मोती लिए हैं। तो आज आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे बहुत सुंदर सी राखी बना सकते हैं अपने भाई के लिए। तो अभी मैं आपको राखी बनाने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये स्केल लिया है मैंने। अभी स्केल पर हम धागे को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 25 टाइम्स इसके ऊपर हम इस तरह से लपेट देंगे। तो देखिए, ये मैंने 25 टाइम्स इसको इसके ऊपर लपेट दिया है। आप चाहें तो 30 भी ले सकते हैं क्योंकि सिल्क धागा है। और यहाँ से हम इसको धागे कट कर देते हैं और इस तरह से यहीं पे हमने स्टार्ट किया था, यहीं पे यहाँ पे कट कर देते हैं कोने से। कट करने के बाद कोने को फैब्रिक ग्लू से चिपका दें जिससे कि जो हमारे धागे हैं ये निकलेंगे नहीं और यहीं से यहीं ये सेट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से, और सेम दूसरे कोने पर भी इसी तरह से चिपका दें। तो देखिए, ये मैंने दोनों कोने चिपका दिए हैं, तो ये धागे हमारे जो हैं सेट हो गए। तो देखिए, ये कार्डबोर्ड को मैंने एक कॉइन की शेप में कट कर लिया है और बीच में एक होल कर दिया है। और अभी हमने जो ये धागे लिए थे, इस धागे को यहाँ से हम इसको अंदर से निकालेंगे। तो देखिए, इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर चिपका दें जिससे कि ये यहाँ पर सेट हो जाए। अभी जो दूसरा कोना है उसको हम इसके अंदर से निकाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से निकालेंगे और फिर से हम इसके अंदर से निकालेंगे और इसको पूरे राउंड में हम इसको फैला देंगे इसी तरह से, इस तरह से सेट करते हुए। देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ तक लपेट लिया है और थोड़ा सा धागा बचा है, इसको भी इस तरह से कंप्लीट कर देते हैं। और देखिए, कंप्लीट होने के बाद जो जो बच रहा है इसको हम उल्टी तरफ इस तरह से कर लें और यहाँ पे इसको फैब्रिक ग्लू से फिर से चिपका के और जो गांठ है इसको हम कट कर देंगे। देखिए, ये हमने इस तरह से तैयार कर दिया। और देखिए, जैसे मैंने बताया था, ये मैंने एक बटन लिया है जो कि हम इसको यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से चिपका देते हैं। आपके पास अगर ऐसा बटन नहीं है तो आप कोई भी मोती ले सकते हैं। तो देखिए, ये तो हमने चिपका दिया है और ये मैंने एक चेन ली थी जैसे दिखाया था आपको, इसके साइज के अनुसार मैंने कट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे डॉट डॉट करके ये फेविक ग्लू लगा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इस चेन को इसके ऊपर चिपका देंगे। देखिए, इस तरह से नीचे भी रख लें, और इसके बाद जो हमारी ये चेन है इसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं। मैंने बटन के साइज के अनुसार इसको कट कर लिया है। तो देखिए, हमने इस तरह से चिपका दिया है और इसी के साइज का मैंने एक प्लेन पेपर पर इस तरह से राउंड में कट कर लिया है। तो इस पे हम फेब्रिक ग्लू लगा देते हैं। और इसके बाद हम इसके इधर उल्टी तरफ चिपका, जैसे क्या है फिनिशिंग रहेगी। देखिए, ये भी हमारा चिपक गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने 10 टाइम्स इस तरह से धागे बांध लिए हैं। दोनों कोने पे मैंने फेब्रिक ग्लू लगा लिया है और इसका भी हम इस तरह से एक सेंटर मार्किंग कर लेते हैं, चौक से मार्किंग कर लें। तो देखिए, ये सेंटर में हमारा ये पैच जो है इस तरह से चिपक जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले मोती लगाना शुरू करते हैं। तो ये सेंटर पार्ट पे हमने मार्किंग कर ली और यहाँ पे भी आप इस तरह से मार्किंग कर लें। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पहले वन साइड में इसको जो फर्स्ट मार्किंग की है यहाँ पे एक गांठ मार देते हैं। देखिए, अभी क्या होगा, हमारा पैच इधर जाएगा, इस साइड में हमारे मोती आ जाएंगे। तो अभी हम मोती जो हमने लिए हैं इनको यहाँ पर लगाते हैं।
तो देखिए जो गांठ लिया हमने उससे पहले से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए मैंने एक साइड में 12 मोती डाल दिए हैं, सेम दूसरी साइड में भी 12 डाल दिए हैं। और देखिए यहाँ से भी हम यहाँ पर एक गांठ मार देते हैं जिससे कि ये लॉक हो जाएगा। इस तरह से गांठ डाल दिए जिससे कि ये मोती हमारा बाहर की तरफ नहीं आएगा। अभी जो हमारा ये पैच है ये भी सूख गया पूरा, अभी हम इसको यहाँ पर चिपका देते हैं। तो यहाँ पर भी फेब्रिक ग्लू लगा देंगे हम। तो इसमें आपको लाइन में एक फेब्रिक ग्लू लगाना है और इसके ऊपर जो हमारा ये धागा है ये यहाँ पे इस तरह से सेट हो जाएगा। तो देखिए जब ये सूख जाएगा तो ये इस तरह से आएगा। तो देखिए हमारी ये राखी जो है सूख गई है। तो आप देख रहे हैं कितनी सुंदर हमारी राखी बनकर तैयार हो गई है। तो आप इस आसान तरीके से इस रक्षाबंधन पे अपने हाथों से राखी बनाकर अपने भाई को बांध सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।